देश में, हमारे ही घर में सैकड़ों सालों पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो इस देश में एक नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका निभाते आए हैं, उनको इस देश में उनका नागरिक होने का अधिकार छीनने का प्रयास किया जाएगा। इसीलिए यह जो फोरम है, इसकी एकमात्र कोशिश है कि नाउम्मीदी के इस दौर में उम्मीद का दिया जलाया जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए और इस अत्याचारी सरकार को यह बताया जाए कि यह देश हम सबका है और तुम्हारी हर कोशिश को हम लोग नाकाम करेंगे। मैं आज यहां इस मंच से उन तमाम दलों को जो संविधान में भरोसा होने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि उनको इस देश की जमहूरियत में भरोसा है, जो कहते हैं कि वो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, उनसे मैं आह्वान करना चाहता हूं कि यह जो शीतकालीन सत्र है, अभी जो संसद का सत्र शुरू होने वाला है, उस सत्र में तमाम दल मिलकर के जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यह सरकार लाने वाली है, भाजपा की सरकार लाने वाली है, उस बिल के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें, उस बिल के खिलाफ अपना प्रस्ताव पास करें और सिर्फ लड़ाई संसद में ही ना लड़ी जाए बल्कि इस देश की सड़कों पर भी इस लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ा जाए, इसका आगाज किया जाए, ये जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे वो अपनी और हम एक एक करके अपने हक और अधिकार से महरूम होते जाएंगे। इसीलिए आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो दावे के साथ एक बात आपको कहना चाहता हूं कि इनको लगता होगा कि इनके पास बहुत ताकत है, इनको लगता है कि इन्होंने इस देश के सारे चैनलों को खरीद लिया है, इनको लगता है कि इस देश में वो जो चाहना करना चाहते हैं वो कर लेंगे। तो मैं इनको एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि इनके जो मालिक थे, इंग्लैंड से चल करके आए थे, इस देश को 200 साल तक गुलाम बना करके रखे, उन अंग्रेजों को भी लगता था कि उनके सूरज का कभी अस्त नहीं होगा। बताइए उसके सूरज का अस्त हुआ कि नहीं हुआ? वो इस देश में हारे कि नहीं हारे? कैसे हारे? एक छोटा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। नमक का थोड़ा सा दाम अंग्रेजों ने बढ़ा दिया था, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की, कुछ लोगों के साथ चलना शुरू किए थे, कहते हैं ना मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। ये यात्रा उसी समझ कर टीवी देखकर मोबाइल उदास होने की बजाय घर से बाहर निकलिए। इसलिए हमने एक नारा लगाया है कि निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, इन बेईमानों के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल होने की जरूरत है। वो कहते हैं कि आप साबित कीजिए कि हाँ आप नागरिक हैं कि नहीं है। हम कहते हैं बेईमान तुम साबित करो कि हम नागरिक हैं कि नहीं है। हम क्यों साबित करने गए हैं कि हम नागरिक हैं कि नहीं है? कोई आकर के आपको कहे कि आप चोर हैं, आप आतंकवादी हैं, तो आप उसकी बात को मान लेंगे? जो आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि आप चोर हैं, उसको साबित करने दीजिए कि आप चोर हैं कि नहीं हैं। लेकिन स्थिति क्या है, हम खुद ही परेशान हो रहे हैं। बाप का डॉक्यूमेंट खोजने के लिए परेशान हो रहे हैं। सच्चाई क्या है इस देश में? सच्चाई यह है कि इस देश के 100 में से 80 लोग ऐसे हैं जिनके पास दादाजी के दादाजी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? जिस देश में लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं हो, रहने के लिए मकान नहीं हो, करने के लिए काम नहीं हो, वो डॉक्यूमेंट की चिंता करेगा? वो सुबह उठता है काम ढूंढने के लिए जाता है, कहीं हमको काम मिल जाए। और वैसे लोग कौन हैं? वैसे लोग वो हैं जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो छोटे छोटे दुकानदारी का काम करते हैं, छोटा छोटा धंधा पानी करते हैं, इस राज्य से लेकर उस राज्य तक
रोजी रोटी पालने के लिए अपने घरों को मकानों को छोड़ करके जाते हैं। क्या पता कि उनके दादाजी कहाँ रहते थे और आज उनका पोता और कल को उनका पोताजी कहाँ रहने के लिए चला जाएगा। कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो इस देश के गरीब लोग हैं, जो चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं, ईंट भट्टों में काम करने वाली महिलाएं हैं। आप पूछिए, किसी से भी पूछिए, अपने आसपास किसी से भी पूछिए कि जरा अपने दादाजी के दादाजी का नाम बताना, तो 100 में से 90 आदमी अपने दादाजी के दादाजी का नाम नहीं बता सकता है। ये कैसी बेईमानी शुरू की गई है कि आज हम इस देश में रह रहे हैं, इस देश में हम वोट दे रहे हैं, इस देश में हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, इस देश के खेतों में फसल उगा रहे हैं, इस देश की फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, इस देश के बाजार में दुकान चला रहे हैं, इस देश में रोड पे बस और ट्रक की ड्राइविंग कर रहे हैं, हम खून पसीना बहा रहे हैं इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, इस देश की चक्का को आगे बढ़ाने के लिए। आप अचानक से आए और कहें कि साबित करो कि तुम्हारे दादाजी के दादाजी इस देश में रहते थे कि नहीं रहते थे। यही सवाल अगर पूछ दिया जाए इस देश में अमित शाह और अमित शाह के मालिक मोदी जी को कि तुम जरा अपने दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी का डॉक्यूमेंट लेकर के आओ, तो वो डॉक्यूमेंट लेकर के आएंगे। ये क्यों शुरू किया गया है? ये इसलिए शुरू किया गया है ताकि इस देश के नागरिकों के बीच में हिंदू मुसलमान का जहर एक बार फिर से फैलाया जाए। आसाम का उदाहरण आज हमारे सामने था, जब आसाम की लिस्ट जारी था कि इसमें मुसलमान का नाम ज्यादा आएगा, हो गया उल्टा, हो गया उल्टा। और उल्टा होने के बाद जब गैर मुस्लिम लोग भी परेशान होने लगे डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए, सरकारी दफ्तरों के बाहर लाइन लगने लगे, तो अमित शाह को लगा कि अरे हमारा तो वोट बैंक बिगड़ जाएगा, इसीलिए उन्होंने एक नया सगुफा छोड़ा। सगुफा क्या है? उन्होंने कहा कि एनआरसी लिस्ट से जो बाहर रह जाएंगे उसमें गैर मुसलमानों को हम शरणार्थी का दर्जा दे देंगे, लेकिन जो मुसलमान है उनको हम बाहर करेंगे। कहां बाहर करेंगे? कहां लेकर के जाएंगे? बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे? क्या करेंगे? इस देश में जो रहने वाले लोग हैं, जो इस देश में रह रहे हैं, पीढ़ियों से इस देश में रहे हैं, ये सगुफा क्यों छोड़ा जा रहा है? जिस सरकार से सड़क नहीं बनाई जाती है, जिस सरकार से पहुंचाई जाती है, जिस सरकार से स्कूल नहीं बनवाया जाता है, वो सरकार एनआरसी का लिस्ट बनवाएगी। ये सगुफा क्यों छोड़ा गया है? ये सगुफा इसलिए छोड़ा गया है ताकि इस नाम पे राजनीति की जा सके। लेकिन मैं आप तमाम लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि इस बात से हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को किसी भी अफवाह का शिकार होने का जरूरत नहीं है। आराम से अपने घरों में रहिए, इत्मीनान से रहिए। और महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि यह सरकार इस देश के नागरिकों के लिए नहीं है, ब्रिटिश सरकार इस देश के संसाधनों को लूट करके लंदन पहुंचा रही है, इसीलिए इस देश के नागरिकों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और सहयोग करना चाहिए। मैं वही आह्वान आप तमाम लोगों से दोहराने के लिए आया हूं कि यह सरकार, इस देश की मौजूदा सरकार, इस देश के नागरिकों के लिए नहीं है, इस देश के चंद पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना है। इसीलिए इस देश की सरकार के साथ और सहयोग कीजिए और सरकार को साबित करने दीजिए कि आप नागरिक है कि नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इकट्ठा रहिए, संगठित रहिए, एकजुट रहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हम इकट्ठा रहे, संगठित रहे, एकजुट रहे, तो ये सरकार क्या दुनिया की किसी सरकार को हम हरा सकते हैं। यही हमारा इतिहास है, हमने अंग्रेजों को भी हराया था, अंग्रेजों के इन चापलूसों को भी हम हरा सकते हैं। और मैं अपना उदाहरण देकर के आपसे अपनी बात खत्म करूंगा। मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ हूं। मेरे पिताजी पैसे से दैनिक मजदूर थे, मेरी माँ आज भी आंगनबाड़ी में काम करती है, और इनके ऊपर, इनके पीठ पर अंबानी जी का हाथ है। ताल ठोक करके चैलेंज करते हैं, है दम तो आओ।
हीरो हमसे सामने से सामने तुमसे टकराने के लिए तैयार है, टकरा रहे हैं, हर सवाल से बोल रहे हैं। और ये इस बात का उदाहरण है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वो हमसे हमारी आवाज को नहीं छीन पाए हैं। अगर हमारा ईमान टिकाऊ नहीं है तो कोई हमको खरीद नहीं सकता है, और हमारा है तो कोई हमको झुका नहीं सकता है। हम चुनाव लड़े तमाम ताकतों के बावजूद, इन्होंने चुनाव हरा दिया, और इनको लगा कि चुनाव हारने के बाद निराश होकर के हम बैठ जाएंगे। तो मैं उनको कह देना चाहता हूं कि संसद को अगर आवारा नहीं होने देना है तब तक सड़कों को अपनी आवाज को बुलंद करते रहना पड़ेगा। इसीलिए ये जो हमारी लड़ाई है वो सड़क की लड़ाई है, सड़क से संसद तक की लड़ाई है। सड़क पर हम लड़ेंगे, और जो विपक्षी पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, उनको भी यह लड़ाई आगे ले जाना पड़ेगा। और मैं आपको याद दिला दूं कि 15 अगस्त को जब कोलकाता में हम लोगों ने इस बात के लिए रैली की तो बंगाल की सभी पार्टियों को विवश होना पड़ा, और बंगाल की विधानसभा में यह रेजोल्यूशन पास किया गया कि हम बंगाल में NRC नहीं होने देंगे। लेकिन इतना भर से हमारा काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि अलग अलग इलाकों में डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं, जेल खाने बनाए जा रहे हैं। तो जो नारा लगाया जा रहा है कि बंगाल में NRC चलबे ना, उस NRC को हम लोगों को बंगाल में नहीं चलने देना है, और किसी भी नागरिक को हमको डिटेंशन कैंप में और कैद खानों में सरकार को नहीं पहुंचाने देना है। यही संकल्प हमारा होना चाहिए, एकजुट होकर के हम ये लड़ाई लड़ेंगे। और जब कोई लड़ाई एकजुटता से लड़ी जाती है तो उसको हर हाल में जीती जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।